for lifestyle diseases and regarding the diseases in female. आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए और मेरा जो विषय है आप लोगों को अवगत कराना जो कि हमारे शरीर में औरतों में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं मासिक धर्म का जो बंद हो जाना होता है उसके लिए जिसको कि मेनोपॉज बोलते हैं उससे रिलेटेड डिजीज या फिर जो डिजीज़ तो नहीं है वो उससे रिलेटेड जो हमें परेशानियाँ या सिम्टम्स महसूस होते हैं उसके बारे में बताना और उसे जागृत करके हम कैसे उससे आगे अच्छे से जीवन जी सकते हैं मेरा यही टॉपिक है. तो जैसे कि एवरीथिंग इज टेम्पररी नॉट परमानेंट, पूरा परिवर्तन ही जीवन है. जिस तरह से परिवर्तन और परिवर्तन ही जीवन है और प्रकृति भी परिवर्तन ही ढूंढती है उसी के साथ हमें आगे खुशहासी खुशी से आगे बढ़ते चले जाना है. तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है एक चेंज होती है एक औरत की ज़िंदगी में. जैसे हमने छोटे से बच्चे के रूप में जन्म दिया एंड उसके बाद हम अपनी माँ की गोद में खेलते खिलखिलाते बड़े हो रहे हैं और फिर युवावस्था में पहुँचते हैं. युवावस्था के बाद में फिर हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं. प्रौढ़ अवस्था आती है उसके बाद वृद्धावस्था आती है. इस बीच में वी हैव टू फेस मेंस्ट्रुअल वी हैव टू हमारा जो बॉडी है वी आर हैविंग मेंसेस एंड देन पेरीमेनोपॉज़ल फेज एंड मेनोपॉज़ल. तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है. मेनोपॉज इज द कंप्लीट सेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर वन ईयर आफ्टर द एज ऑफ 45 टू 51 ईयर्स ऑफ एज. यूजुअली इट हैपेंस इन दिस जब किसी महिला का मासिक धर्म का आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है एक साल या उससे अधिक समय में 45 साल से 51 साल की उम्र में. परंतु कुछ औरतों में आजकल ये जल्दी भी देखा जाता है जैसे कि 40 साल से 45 साल के बीच में जिसे कि अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं या फिर उससे भी जल्दी आजकल हम 35 से 40 साल में भी देखते हैं जिसे कि प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं जिसमें कि मासिक धर्म आना बंद हो जाता है. तो नेचुरली मासिक धर्म का आना तो नेचुरल फिजियोलॉजी है ये कोई बीमारी तो नहीं है. एवरी फीमेल हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज. तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है हमारे शरीर के अंदर में. बट इस चेंज के रहने से हमें कुछ हॉर्मोन्स के चेंजेस आते रहते हैं शरीर में तो हमारा संतुलन थोड़ा सा बिगड़ना शुरू होता है जिसको कि अनोइंगली हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है. तो ये हमारा जो औसतन इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोगों में मेनोपॉज जो होता है नेचुरल तो हुआ ही किन्हीं किन्हीं में किन्हीं का हिस्टेक्टोमी कर दिया गया अगर कोई ट्यूमर वगैरह या कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी रहती है या फिर कोई कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जा रहा है. इवन वुमेन हुआ हैबिट ऑफ सिगरेट दे विल गेट मेनोपॉज 2 to 3 years before. तो इन सब रीजन से भी मेनोपॉज जल्दी भी हो सकता है.